चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब में धान की सरकारी खरीद पर हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त आप देखिए बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया गया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ा गया है। इस भीड़ में कई आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं जो कि आगे बीजेपी दफ्तर की ओर जाकर घेराव करना चाहते हैं, लेकिन इनको आगे जाने से रोका जा रहा है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब के किसानों की धान की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए लगातार वाटर कैनन चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधायकों को पीछे खदेड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी बैरिकेड पर कुछ लोग जमा हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है पंजाब में किसानों के धान की सरकारी खरीद को लेकर। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं।